पाकिस्तान, जिसका नाम लेने भर से केवल एक ही चीज दिमाग में चली आई, एक ऐसा देश जिसको भारत का दुश्मन कहा जाता है, हमारा कुछ भी नुकसान होने पर जहां जश्न मनाया जाता है, उस देश को ही तो पाकिस्तान बुलाया जाता है। पर मेरा दिल कहता है कि उस पार कुछ और भी होगा जो हमें टीवी की स्क्रीनों पर नहीं दिखाया जाता। देख रहे हैं आज तक, जहां पर हमारे बड़े बूढ़ों ने सालों गुजार दिए, आखिर उस जमीन को भी तो पाकिस्तान बुलाया जाता है। इसलिए फिर जब मेरे फ्रेंड टीएन ने मुझे उस पार पाकिस्तान चलने के लिए कहा तो मैं तुरंत मान गया। हाँ, मन में घबराहट जरूर है कि क्या होगा उस पार, और इसी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए एक सुबह मैं अपना बैग उठाता हूँ, गाड़ी निकालता हूँ, सोनू को उठाता हूँ। सोनू क्या स्मार्ट लग रहा था उस दिन? स्मार्ट लग रहा है। उसके बाद बस हम सारे निकल जाते हैं एक पराए मुल्क की ओर। अच्छा, बाय द वे, टीएन अपनी लाइफ में पहली बार पंजाब जा रहा है, तो इसका छोले भटूरे और लस्सी तो बनता है, जिसको पीते ही ये महाराज। और फिर ऐसे देखते देखते हम लोग पहुंच जाते हैं वाघा बॉर्डर, जहां पर हमारा एक और फ्रेंड उदय हमें ज्वाइन करता है। दोस्तों, हम वाघा बॉर्डर आए हैं और ये एक्चुअली एक वो जो पीछे देख रहे हो नॉर्मल लाइन है, और अपा चारों को वीआईपी एंट्री मिल गई है। दोस्तों, क्यों मिली वीआईपी एंट्री, ये नहीं जानोगे? सामने हमें पाकिस्तान का झंडा दिख रहा है। हो जुग जुग जीवे हिंद दा आशिया। वाघा बॉर्डर पर एक बहुत ही पावरफुल बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी देखकर हम आ जाते हैं वापस अमृतसर। जहां पर एक छोटा सा रूम लेकर मैं तो सीधा बेड पर पड़ जाता हूं, पर मुझे नींद कहां आने वाली थी। यकीन करना मुश्किल है कि कल मैं एक्चुअली पाकिस्तान जा रहा हूं। वहां सब कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, पता चलेगा सुबह, सब पता चलेगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो डे इज फाइनली हियर। अभी हुए सुबह के 6:30 बजे और अब से लेके अगले 2 से 3 घंटे के अंदर हम सारे के सारे पाकिस्तान में होंगे। और क्योंकि मैं करतारपुर साहिब जा रहा हूँ तो मैं ऐसे थोड़े जाऊंगा। वेट, हाँ, दोस्तों स्पेस की कमी है, पग बांध के मिलते हैं। बाय बाय। तो मेरे को जेन्युइनली लगता है कि मेरे पे पग थोड़ी सी शूट करती है। आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना कि मेरे पे पग शूट करती है नहीं करती। बाय द वे, अभी हम लोग आ गए हैं करतारपुर कॉरिडोर इंडिया वाली साइड पे। ये यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा करतारपुर का स्ट्रक्चर है, बहुत ही अमेजिंग बना है। मेरे को लग नहीं रहा कि मैं किसी फैंटास्टिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कम पे खड़ा हूँ। पाकिस्तान जाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक पासपोर्ट चाहिए, एक ETA फॉर्म चाहिए जो कि आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट से मिलेगा, और $20 चाहिए जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट तुमसे चार्ज करती है वहाँ जाने के लिए। बस इतना ही चाहिए। एक बार तुम्हारे पास ये सब है तो तुम डेफिनेटली यहाँ आ सकते हो, और हमारी तरह अगले कुछ आधे घंटे में पाकिस्तान जा सकते हो। मेरे को यकीन नहीं हो रहा है, सच में पाकिस्तान जा रहा हूँ। तेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप है? हाँ भाई। पाकिस्तान जाके कैसा लग रहा है? पहली लग रहा है यार, अमेरिका सब जाते हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं। पहला एक और का पहला इंटरनेशनल ट्रिप है। हाँ जी सर,
So excited. पाकिस्तान के लिए बहुत मजा आ रहा है. सबसे ज्यादा एक्साइटिंग, सबसे ज्यादा मैं इस ट्रिप पे, मतलब मेरा कोई प्लान नहीं था, तो मैं जैसे मैं बता ही चुका हूँ व्लॉग की ओपनिंग में, इस बंदे ने मेरी जान खा ली, चलना है चलना है चलना है चलना है. तो फिर हमने कहा ठीक है. जैसे कि उदय ने बोला कि सभी यूएस और बाकी कंट्रीज में जाते हैं लेकिन पाकिस्तान कोई नहीं आता, तो मेरा मानना है कि बहुत अच्छी जगह है. अच्छा, सबको एक्सप्लोर करना चाहिए. करतारपुर करतारपुर की बात कर रहा हूँ मैं, और किसी की नहीं. तो जी बिल्कुल जाइए. तो दोस्तों हम सिक्योरिटी पे पहुंच गए, कैमरा बंद करते हैं और बस उस पर जाके पाकिस्तान में मिलते हैं. बाय बाय. इमिग्रेशन का सारा प्रोसेस कंप्लीट करके एक इलेक्ट्रिक कार्ट हमारा बाहर इंतजार कर रही होती है. तो हम अपने कॉरिडोर से निकल गए और फॉरेन कंट्री पहुंचने में भैया जी के अकॉर्डिंग 5 से 10 मिनट में अभी पहुंच जाएंगे. और विद इन 5 मिनट्स हम खड़े थे जीरो लाइन. सबसे पहला इंसान जो पाकिस्तान जा रहा है. और ये पाकिस्तान पाकिस्तान में आ गए. तो जी हम ऑफिशियली पाकिस्तान में आ गए. आप एक दूसरे देश में आ चुके हैं, ये बात आपको हिट तब होती है जब आप इस तरह का एक बोर्ड देखते हैं. पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अब तक वीडियो एंजॉय कर रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए. और एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर पहुंचने से पहले हम जानते हैं कि हम यहाँ आए क्यों हैं. तो जी सिख धर्म के अंदर दो जगहों को सबसे ज्यादा रिलीजियस और इम्पोर्टेंट माना जाता है. नंबर 1 गोल्डन टेम्पल एंड नंबर 2 करतारपुर साहिब, जो कि गोल्डन टेम्पल से खाली 53.6 किलोमीटर की दूरी पर है. करतारपुर गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी ने ही बसाया था और यहीं पर उन्होंने अपने जीवन के 17 साल बिताने के बाद अपने प्राण त्याग दिए थे. सालों तक संगत इन दोनों गुरुद्वारों के बीच में फ्रीली ट्रैवल किया कर सकते थे, पर फिर इंडिपेंडेंस के टाइम पे एक ब्रिटिश लॉयर आया और ये बहुत ही अजीब सी लाइन बनाकर चला गया, जिसकी वजह से जीरो लाइन से केवल 4.5 किलोमीटर दूर होने के बावजूद करतारपुर गुरुद्वारा आज पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है, जिसके आज हम सभी लोग दर्शन करने आए. एक ओंकार सतनाम करतारपुर निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनि सैभम प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी. दरबार साहिब के बहुत ही अच्छे दर्शन करने के बाद हम जाते हैं लंगर हॉल, जहां पर पाकिस्तान में बना हुआ खाना चखने को मिलता है. इतना लजीज खाना खाकर ये दोनों तो सुस्ताने लगते हैं और मैं बस वहीं साइड में शांति से बैठकर लोगों को देखता हूँ. और सच में मुझे यहाँ इंडियन और पाकिस्तानियों में कोई फर्क नहीं दिखता. कोई बर्तन साफ करवाकर सेवा कर रहे थे, कोई लोगों की प्यास बुझाकर सेवा कर रहे थे. इस हॉल में मैंने दोनों साइड के लोगों को बहुत ही प्यार से साथ में खाना खाते और खिलाते देखा. सुनिए इस पर हमारे अंकल जी का क्या कहना है. सब तो बड़ी एक मैं और बड़ी बड़ी गल की थी कि जरा लंगर था ये सारे भाईचारे, मैं तो क्रिश्चन लोगों भी मिले अपने सरदार से, चलो है ही नहीं मुसलमान वीर भी आपस के लंगर छका रहे हैं. एक बड़ी बड़ी साड़ी सांझ है कि इस तू मैं बहुत बहुत खुश होया वा. सारे ही खुश हो किदा, कोई ये भेदभाव नहीं है. लंगर हॉल से निकलकर हम साथ ही बनी मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं. पाकिस्तान का दूध, पाकिस्तान की आइसक्रीम, ट्राइंग नाउ. और फिर 4 बजते ही हम अपनी बस में बैठकर वापस अपने देश इंडिया आ जाते हैं. उस शाम वापस आकर गुरुदेव के सामने बैठ मुझे बस एक ही चीज का ख्याल आ रहा था कि जो लोग हमें 75 साल पहले बांट कर चले गए, एक ऐसी आग लगा कर चले गए कि जो शायद ही अब कभी बुझ पाएगी, हम आज भी उन्हीं लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं, उन्हीं के जैसा बनना चाहते हैं. एग्जाम्पल के लिए अपनी खुद की भाषा का तो कोई ख्याल है नहीं, पर जो अगर आप इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हैं तो आप तुरंत ही गवार मान लिए जाते हैं. हाँ बाय द वे टीएन यहाँ पहुंचकर भी सो ही रहा था, पर मैंने बहुत समय पहले कहीं पर पढ़ा था
कि अगर एक नदी में मछलियां लड़ती मिल जाएं तो समझ लो कि एक ब्रिटिश वहां से गुजर कर गया है। और आज पाकिस्तान में बस कुछ समय बिताने के बाद ये बात और भी ज्यादा सच लगने लगी है, क्योंकि अगर आप समय में बस थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो ये नफरत, ये डिविजन और ये बॉर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो जी करतारपुर साहिब से हम वापस आ गए, हमारी यात्रा बहुत ज्यादा बढ़िया रही। ये था एक छोटा सा वीडियो, मतलब मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगा कि कभी ना कभी आपको भी डेफिनेटली प्लेस विजिट करना चाहिए, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, यूनिक तो है, क्योंकि इस तरह का आपको कुछ भी और एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलता है कि आप दूसरी कंट्री, वो भी पाकिस्तान जैसी कंट्री के साथ साथ में बैठ के लंगर कर रहे हो, एक ही थाली, मतलब एक थाली नहीं, मतलब आसपास बैठ के खा रहे हो, तो वो बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है। और यही था एक मेरा एक छोटा सा वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, थैंक यू सो मच,